ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी डेट डालेंगे, ठीक है, अपना टाइटल सोचें, रिसर्च करें कि भाई टाइटल क्या होगा, ठीक है, ब्रांड नहीं है हमारी कंपनी, किसके एज्यूम करना है कि आप क्या लेके चलते हैं, कोई 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 प्रोडक्ट उठा लें भाई, क्लोथिंग का उठा लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक का उठा लें, ठीक है, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, हाँ, और उसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको दिखाना ऐसे ही है, भले आपका कोई कारोबार नहीं है लेकिन दिखाना ऐसे ही है कि जैसे कोई ओरिजिनल ही पेज हो आपका, ठीक है। रीजन क्या है कि इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है, तो आपको पेज भी बनाना है, उसकी रिपोर्ट भी बनानी है, और सबसे पहले तुम ये पेज बनाने से पहले ये रिपोर्ट बना के देनी है कि भाई आप क्या करोगे। हाँ कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं हमें इसके, ये कहाँ है, इसी के नीचे हाँ इसी के नीचे लिख दें भाई, ये हेडिंग हटा देगी आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन ये हटा के, ठीक है, क्वेश्चन हटा के आप डिफाइन। वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप आइडियाज ले सकते हैं, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी वहां से, आप जो है किस तरीके से इसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे वो सारी चीजें आप देखेंगे। फिर मैंने हैशटैग, अब हैशटैग्स की जो रिसर्च है वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब हैशटैग्स बेसिकली आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या आपको अगर आइडिया नहीं है तो उसका भी आप जो है वो चैट जीपीटी के मदद से आप हैशटैग को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैशटैग में बेसिकली अगर चैट जीपीटी पे जाता हूँ तो कितना रेवलेंट, मतलब कितना उसका ट्रैफिक है या नहीं है वो हमें नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे है इनफ्लेंट के नाम से ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप जब आते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे रेड टी शर्ट लिखा हमने, अब इसमें क्या जो है वो टैग्स बन सकते हैं, एक टॉपिक दिया मैंने वो देखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इत्तेफाक की ऐसी बात है कि देखें कि आपके फ्रिक्वेंसी में जो है वो कोई नहीं आ रहा, एवरेज में कोई नहीं आ रहा, ठीक है, रियल में आ रहा है। रियल में क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रेड टी शर्ट लोगों ने जो इस्तेमाल करा हुआ है वो कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, 65 61K जो है वो इतने लोगों ने जो है इस हैशटैग को जो है इस्तेमाल करा हुआ है। इसी तरीके से रेड बबल शर्ट है, अच्छा यहाँ पे 3 को छोड़ के बाकी खाली है, ठीक ठीक है। तो अब इसमें रेवलेंट होना चाहिए, ठीक है, जैसे रेड शर्ट है रेवलेंट है, ठीक है। अब रेड बबल शर्ट अगर उसके अंदर बबल है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे ये हैशटैग, ठीक है, ठीक है, इनरेवलेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो रेड शर्ट शर्ट है, ये भी आप नहीं यूज कर सकते, टी शर्ट इंस्पायर ये यूज कर सकते हो, थोड़ा सा रेवलेंट ही है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और अच्छा, स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के अंदर इतने जो है वो हैशटैग जो है वो मौजूद नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, अगर जैसे मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ मैं और इससे मुझे जनरेट करने हैं हैशटैग, ठीक है। वैसे तो आपको फेसबुक भी बता रहा होता है, अगर आप फेसबुक आप जब ऑन करते हैं और वहां पे अगर जब आप हैशटैग लगाते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, तो मिसाल के तौर पर मैं जब यहाँ आता हूँ और यहाँ पे तो अब मैं जैसे लिखना शुरू करता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक मुझे वैसे ऑलरेडी बता देता है कि यहाँ पे भाई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है लोगों ने कितना लगाया हुआ है, 25 मिलियन इसके ऊपर जो है वो पोस्ट मौजूद है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा तो उसके अंदर डेफिनेटली लिखा होगा अच्छा कि अगर ये मैं यूज भी कर लूंगा तो मैं रैंक नहीं करवा सकता, इसके ऊपर मेरी पोस्ट जो है वो रैंक
नहीं हो सकती डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रैंक करवाने के लिए तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसे कीवर्ड ऐसे हैशटैग यूज करना है जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। वो कंपटीशन फेसबुक नहीं बताता, वो बताएगा आपको ये वेबसाइट। ये क्या कह रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है वो 43.7 मिलियन लोगों ने हैशटैग यूज करा हुआ है, जिसके ऊपर जो है आप चाहे आप लगा लो उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते, आप ऊपर नहीं आ सकते, आपकी पोस्ट जो है वो ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन एवरेज में भी अगर बात करोगे तो ये मीडियम है, और मीडियम में भी अगर आप बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है वो उतनी इसमें अंदर अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन बेस्ट जो है वो रियल में अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, और अगर अच्छे नंबर यहाँ पे देखो ये भी तो हजारों में ही है ना, ये भी कोई कम रेशियो तो नहीं है। तो अगर मैं ये या इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए डेफिनेटली जो है वो इसका मुझे जो है वो फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन जो है वो ईजी है और रियल है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसके अंदर मेरा कंपटीशन आसान है, और मैं जो ये हैशटैग अगर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए रैंक करना आसान हो जाएगा फेसबुक के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ बात, समझ में आई? तो इस तरीके से आपको जो है सर्चिंग करनी है, और रेवलेंट, फिर वही बात, रेवलेंट अब डिजिटल मार्केटिंग है, रेवलेंट है। ठीक है, डिजिटल क्या लिखा है, डिजिटल ईएस मार्केटिंग। अब ये कोई डेफिनेटली कोई कीवर्ड होगा, लेकिन इसको आप एक दफा सर्च जरूर कर लेना कि बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर लोगों ने शो क्या कराया हुआ है। ठीक है, ये आप जरूर जो है वो फेसबुक के ऊपर सर्च जरूर कर लेना, कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा कि भाई डिजिटल ईएस मार्केट हो सकता है, स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट हो, जैसे अक्सर कंपनीज का हैशटैग्स होते हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनी ही ना हो। भाई यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, देखो इन्होंने कहीं यूज करा हुआ होगा तो ये रैंक कर रहे हैं। ये ठीक है, तो देखें ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इसी वजह से रैंक कर रहे हैं। इन्होंने बस ऐड कर दिया हाँ हाँ हर सबने करा भाई ये चीज। ठीक है, अब देखो रेवलेंट, अच्छा ये वो लोग हैं, अब देखो इन्होंने भी वही सेम टैग उठाए हुए, पॉलिटिकल गोल। इन्फ्लुएंसर उठाए हुए ये। हाँ भाई ठीक है, ये देखें। ये ना ये सारे जिसका कोई याद पैर नहीं है ठीक है, अब इस रेवलेंट नहीं है ना, लोग क्यों मार्केटिंग क्या वर्ड है ये, पॉलिटिकल को डिजिटल से क्या मुराद है, लोग क्यों अब वो आपका थोड़ी बिकेगा, अगर उसका कोई और मकसद निकल रहा है तो इससे आपको कोई लीड हासिल थोड़ी होगी, इससे कोई सेल में आपके पास जो है वो इजाफा थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर आप लोगों को जो है वो देखनी जरूरी है। ठीक है, हैशटैग तो अच्छा पर्पस से रैंक करना ही होता है। हाँ, रैंक करना होता है कि जाहिर सी बात है कि रैंक लोग सर्च करते हैं ना चीज को, कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग से जॉब सर्च करनी है तो मैं हैशटैग का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा भाई कोई जॉब अगर अवेलेबल है तो वो इस तरीके से जो है वो मुझे मिल जाएगी। या मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करना चाहूँ, एजेंसी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो एजेंसी जो है वो शो हो जाएंगी आपके पास, ये। ठीक ठीक है, तो हैशटैग बेसिकली फेसबुक के ऊपर कोई भी चीज सर्च करने के लिए जो है वो हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लगाने हैं लेकिन रेवलेंट, हाँ रेवलेंट लगाने हैं, जिनका कंपटीशन कम हो वो लगाने। ठीक है, तो सारे ऐसे ही हैं। वरना अगर हम इतने सारे ये वाले लगा लेंगे ना तो हमारे हम रैंक नहीं करवा सकते। अब जैसे फेसबुक के ऊपर मैं आता हूँ तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो मैं फेसबुक के ऊपर कभी भी रैंक नहीं करवा सकता, ऊपर नहीं आ सकता, मतलब अब तो पीजी वाले में सारे सारे रेलेवेंट तो नहीं है। हाँ पीजी वाले में अगर हाँ तो वही तो मैं बोल रहा रेलेवेंट हूँ कि आंख बंद करके नहीं लगाना, पढ़ के लगाना है। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग कर गया इस हाँ, तरह कोई डिजिटल मार्केटिंग से तो मिल लोग नहीं नहीं सर्च करेंगे रहा। क्योंकि लेकिन पीजी पीजी हाँ, में कोई भी मिल नहीं रहा लेकिन लोगों ने यूज करा हुआ है तो हम क्या यही यूज करेंगे। 29 लाख। अब ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि 29 लोगों ने, अब सही 29 हजार बीमारियों ये में रेशो चला कम गया नहीं है क्या वैसे।
हाँ डिजिटल मार्केटिंग, हाँ हाँ ऐसे ही कुछ कस्टम जो है ना वो बना हुआ है। ये तो कस्टम बने हुए सारे। आप हाँ देखें डिजिटल डिजिटल मार्केट ये बस ये तो रेलेवेंट बने हुए थोड़ी है। ये रेवेलेंट है, हाँ रेवेलेंट है। अब जैसे मार्केटिंग डिजिटल टिप्स डिजिटल है। ये तो अपनी मर्जी से बनाया मैंने दोनों। लेकिन खैर इससे आपको कंपटीशन जो है वो पता चल जाता है कि यार कंपटीशन इसमें मतलब आप रैंक करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। तो इस तरीके से और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी को आप यूज करें, आप और भी बहुत सारी ऐसी हैशटैग्स के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप ये जो खैर इंस्टाग्राम के लिए है, अच्छा इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो बात देखी है, ठीक है। कोई एक ही प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको भी यूज करते हैं तो कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं होगा, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करने हैं हैशटैग्स को, ठीक है। सर थ्योरेटिकली हमें क्या डिफाइन करना है कि हमने सर्च कैसे जनरेट किया है जो क्या थ्योरी। नहीं, इसमें अगर हैशटैग जो मेंशन करना है आपको, ठीक है, वो बता देना है कि भाई ये कहाँ की रिपोर्ट, पेज के ऊपर लगाना है सर ये नहीं जैसे इन कि रेवलेंट, आपको बस शो करवाने हैं, बताने हैं कि भाई जो है वो रेवलेंट क्या, हाँ शो कराने, बेसिकली आपको दिखाने हैं कि कौन कौन से आप जो है वो प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड से रिलेटेड हैश क्या क्या हो सकते हैं वो मेंशन करना है क्या। पेज के ऊपर बनाना है पेज के ऊपर क्रिएट करना है तो कुछ पेज बनाना है पेज पे नहीं, अभी सिर्फ रिपोर्ट बनानी है, क्या अभी क्या रिपोर्ट, अक्सेस लिखने के क्या हाँ करो फिर कर हाँ हाँ पहले रिपोर्ट प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग हो रही है ये, फिर पेज बनाएंगे आप। फाइंड द गोल ऑफ द टास्क तो सर गोल जो मैं करूंगा जो मेरी मर्जी जो अपने वर्ड्स में लिखूंगा ना जो प्रोडक्ट हमारा मेन क्या करेंगे आप फेसबुक पे, बेसिकली क्या करेंगे, आपका क्या गोल है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट मैं पूरी बनी बनाई जो है ना आपको शो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास है, ठीक है, कि कैसे करना है, लेकिन फिर आपकी एफर्ट खत्म हो जाएगी, फिर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये सारा चीजें जो है ना वो हलवा पेश कर दूं, ठीक है, तो उसमें फिर मजा नहीं रहेगा, तो आपको खुद ये करके रिपोर्ट करके जो है वो बना के मुझे देनी है, ठीक है। सर खोल के फॉरन मंग करते हैं खोल हाँ के फॉरन मंग हमें बोल। सेफ कर नहीं देते यही तो नहीं क्या दिखाया चीज है तो देखो क्या ना। बस आप फॉरन फॉरन देखिए ये सारी चीजें समझा चुका हूँ, आपको खुद लिखनी है, ठीक है, खुद समझना है कि भाई इसके अंदर आप आपस में कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। तो आप लेकिन बनाना सबको अलग अलग ही है, ठीक है। अगर आपको एक टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी को भी, तो आप एक दूसरे के साथ किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर लें, तो एक को आती है तो दूसरे को भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, सर क्लियर है। अच्छा उसमें फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस चीज को जो है वो प्रमोट करें या इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करें। हाँ एक आप ये भी बना सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर हम एक कौन से रन कॉन्टेस्ट गिव अवे जो है वो हम में क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम गिव अवे करें, ठीक है, ये आप मेंशन करें, ठीक है। और बाकी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि जब आप पेज बना लोगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसको ट्रैक करना, रिजल्ट क्या आएगा, किस तरीके से उसके ऊपर एंगेजमेंट है, उसके ऊपर क्या है, किस तरीके से है, वो जाहिर सी बात है ऑब्वियस बात है, अभी ये वाला पॉइंट तो आप नहीं कर सकते ट्रैक द रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। फिर हाँ क्या फाइव कर सकते हैं फाइव तक कर सकते हैं आप,
लिखना है आपको, लिखना है क्या प्लान करेंगे, गिव अवे आपका प्रोडक्ट है उसके साथ आपने कुछ दे दिया ये हाँ, पेज ग्रो करें। हाँ, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ठीक है, वो गिव अवे क्या देते हैं कि भाई हाँ पेन भी दे देंगे आपको कभी कभी फ्री में, कोई नया जो सेटअप होता है उनका वो आपको फ्री में करके देते हैं सारी चीजें। नहीं नहीं इवेंट्स वाले नहीं होते, बर्थडे पार्टी या इस टाइप की चीजें डेकोरेशन, वो आपको फ्री में करके देंगे। वो जो कि 10,000-15,000 रुपए का जो वो बिल बनता है, पैकेज बनता है, वो आपको फ्री में करके देंगे ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं कि आप वो जो उनकी जो तस्वीरें हैं, वो तो बंदा जो है वो तस्वीरें तो ले जाता है ठीक है, फिर वो उनसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कि यार हमारे जो फेसबुक के ऊपर जो है वो रिव्यू दें आप ठीक है, तो वो के लगे कि जेन्युइन जो है वो कॉन्टेस्ट जो है वो हुआ है ठीक है, क्लियर है। और ऑनेस्टली अभी मैं आपको ये भी चीज करूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन आपको ये सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी है कि आपको पेज भी बना लेना है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे ये सारी चीजें मैं, आप जो है वो घर पे पेजेस बना के और ये जो चीज मैं अभी करवा रहा हूँ वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है पेज के ऊपर ठीक है, क्लियर है। फिर आप बता सकते हैं, सजेस्ट करें कि भाई कंटेंट कैलेंडर के अंदर पोस्ट आप जो है ऊपर भी 3 से 5 टाइम पर भी ऑन फेसबुक के ऊपर करना चाहते हैं ठीक है, पर मंथ जो है ये बेसिकली उस वक्त होता है ये जब आपका पेज किस कंडीशन में है, क्लियर में है, तो फिर आप वहां पे आगे जो है सजेशन भी सेट करते हैं कि भाई अब हमें ये चीजें जो है वो करनी चाहिए ठीक है, हमें जो है वो प्रमोशन के लिए और एफर्ट भी करनी चाहिए कि भाई हम जो है अदर फेसबुक से हट के भी जो है ट्रैफिक जो है इंस्टा से फेसबुक के जरिए से भी लेकर आ सकते हैं, फिर हम जो है वो रन एड्स जो है वो हम जो है वो कर सकते हैं ठीक है। तो ये चीजें उस वक्त है जब हम आगे ये सारा काम जो है वो करेंगे, लेकिन अभी तो हम पांचवे पे ही हैं, पांचवे ही के आपको जो है वो बना के सारे पॉइंट्स जो है वो देने हैं ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई सवाल बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब 10 मतलब मैं जो हूं और सबको एक नया पेज बनाना है ठीक है, उसके ऊपर एफर्ट करनी है, क्योंकि मैं अभी जिनका पेज है उसके ऊपर नहीं मैं बोलूंगा, एक डेमो बनाओ, एक प्रैक्टिकली मतलब एक आप और लगे कि वो हाँ रियल में ही है ठीक है, शो आपको ऐसे ही करवाना है ठीक है, और फिर देखना है कि क्या हो सकता है, फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि यार आप ऐसे करें, आप ऐसा करें, अच्छा आप ये गलती है ऐसे कर लें ठीक है, आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं ठीक है। जब आप कर रहे होगे तो चीजें जाहिर सी बात है पढ़ने में और प्रैक्टिकल लर्निंग में फर्क होता है ठीक है, क्लियर हुआ बात, समझ में आई। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और ये तो अभी बनानी है आपको ठीक है, अभी मैं ये बना के दे, और 1 हफ्ते के बाद तकरीबन नहीं बल्कि आप ईद के बाद मिलेंगे, नहीं, ईद के बाद नहीं मिलेंगे हम, तो अभी 24 को मिलेंगे, लेकिन अगर मैं ये पेजेस बना के और उसके अंदर अंदर जो है आपको जो है ना डेली बेसिस के ऊपर जो पोस्ट बना बना के जो है वो डालना होगा ठीक है, कि हमारे पास एक ट्रैक रिपोर्ट बेसिकली रिजल्ट भी दो, हम उसको ट्रैक तो करेंगे कि भाई क्या हो रहा है ठीक है। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, सैटरडे नहीं सैटरडे को तो मेरे ख्याल में ऑफ है ना, सैटरडे को ऑफ है, 27 से बंद होगा और 1 तक छुट्टी है, तो हम 4 को मिलेंगे, तो ये सारा हाँ ठीक है 4 को आएंगे, सैटरडे नहीं, इस सैटरडे को तो आएंगे, लेकिन मैं जो रिपोर्ट ट्रैक करने का रिजल्ट ठीक है, रिपोर्ट जो आप बना के लेकर आओगे ठीक है कि भाई सर ये पोस्ट थी इसमें इतनी एंगेजमेंट आई, इतनी रीच आई है ठीक है, तो आप वो रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट बना के लेकर आओगे आप प्रैक्टिकली। हाँ रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको ठीक है, क्लियर हो गई बात, नहीं हुई क्या, नहीं समझ आया यार, क्या कह रहे हैं, मतलब मैं समझी नहीं, मतलब क्या मतलब मैं रिपोर्ट बना के आ रही हूँ, आपने बोला कि इससे इसका अभी तो ये बताना है मुझे मतलब ठीक है। देखिए प्लानिंग करनी है पहले भाई, आप भाई एक मेरे पास बिजनेस है ठीक है, उसका आपको सोशल मीडिया का वो बनाना है, आ रहा हाँ मतलब हूँ, कोई से भी ले भाई।
कहाँ पे थे, सॉरी मैं भूल गया। हाँ ये तो समझ में आ गई सही है, पूरा कहना प्लान हाँ करनी पहले है। प्लानिंग करनी है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रीच क्या क्या है कि हमारे पास, या पेज भी बनाएंगे ना, एंगेज अभी तो हम किसी को भी वो नहीं कर रहे ना, मतलब क्या किसी को और को मतलब शेयर करना है करना ना, शेयर करना है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी डैम। अच्छा हाँ और लगना चाहिए कि वो रियल में ही है। हाँ ठीक है, लगना चाहिए कि वो रियल में ही है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कैलेंडर बनाएंगे ना, कैलेंडर ये मैंने आपको बनाने को बोला है ना, कैलेंडर के एक हफ्ते का आप कैलेंडर बना के रखें, ठीक है, ये जो कैलेंडर आप बनाएंगे ये इम्प्लीमेंट करेंगे फेसबुक के ऊपर आप, मुझे ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आई, क्या तो नहीं समझ में आ रहा, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यही तो समझना चाह रहा हूँ। चलेगा करा चले आप बैठ रहे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेगा, ठीक है। चले ये रिपोर्ट मैं शेयर कर रहा हूँ A1 में, A1 में जब मैं आप आएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, A1 में सर। वो क्या आपकी सॉरी A1 बोलता हूँ मैं, चले A-FSC1, ठीक है, उसमें डाल देना सर मुझे। अच्छा नहीं तो अभी तो आपको बैठ के अभी अभी ये करना है ना, घर पे नहीं करना, अभी करना है। उधर शेयर कर देना, उधर हाँ शेयर कर देना प्राइस पे, ड्राइव कहाँ पे डाल दूँ? पे डाल देना, ड्राइव पे। हाँ अच्छा शेयरिंग पे वो, अच्छा हाँ मैं उस पे भी डाल देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलें ओके, लाफिज। हाँ।